मिश्रा, इन गर्मियों में अगर आप आइसक्रीम और कुल्फी खा के बोर हो चुके हैं तो आइए अब मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी रेसिपी। और ये दही से बनती है, तो दही से आइए सीखते हैं बहुत ही ठंडी ठंडी बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपनी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी स्वीट रेसिपी बनाना। और ये और कुछ नहीं है, ये है श्रीखंड। तो इसके लिए मैंने आधा किलो दही ली थी, फ्रेश दही थी, और उसको 2 घंटे के लिए मलमल के सूती कपड़े में आप बांध के लटका दें। तो ये देखिए, इसका सारा एक्स्ट्रा वाटर जो है वो पूरा निकल गया है। इसको लटकाना है आपको, नल पे लटका दें या किसी भी बर्तन पे लटका दें कि सारा एक्सेस पानी चला जाए। और ये देखिए, एकदम गाढ़ी थिक दही हमें मिल गई है। 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे में बहुत ही अच्छी गाढ़ी दही हमारी बन के तैयार हो जाती है। अब इस दही को लेके हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है, थोड़ा स्मूथ कर देना है। तो स्पून से लेके हम इसको अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। ये देखिए, दही को लेके मैंने अच्छे से स्मूथ कर दिया है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, और चीनी जो है वो पिसी हुई चीनी लेनी है। तो ग्राइंडर जार में आप चीनी लेके पीस लें। और इसमें मैं 4 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। अगर आपको मिठास कम पसंद हो तो आप कम भी शुगर ले सकते हैं। अब ये थोड़े से केसर के धागे मैंने दूध में भिगा दिए थे 1 घंटे पहले। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा इसका रंग आ गया है। तो ये भी लेके हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 स्पून इलायची पाउडर। और ये देखिए, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं जिसे मैंने बारीक काट लिया है। थोड़े से पिस्ते हैं, थोड़े से काजू हैं, थोड़े से बादाम हैं। तो थोड़े थोड़े हम करके डाल देंगे, थोड़े से बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। और इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए, क्योंकि ये ठंडा ही सर्व किया जाता है। वैसे ये श्रीखंड हमारा बन के तैयार है, एकदम गाढ़ा क्रीमी, लेकिन इसको ठंडा ही सर्व किया जाता है। तो 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, उसके बाद इसे सर्व करें। ये देखिए, 2 घंटे मैंने इसे फ्रिज में रखा था, और ये अभी एकदम चिल ठंडा है और सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। थोड़े से नट्स के साथ हमने इसे गार्निश किया है। तो आप भी इन गर्मियों में अपने बच्चों को, परिवार को बहुत ही हेल्दी श्रीखंड बना के सर्व करें। और इसमें आपको अगर शक्कर कम पसंद हो, इसको एकदम हेल्दी रखना है, तो आप शक्कर एकदम कम भी डाल सकते हैं, तब पर भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इस रेसिपी की यही खासियत है। तो मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप ज़रूर चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना एकदम ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, बाय।